हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, एंड वंस अगेन वेलकम टू वन एकेडमी एंड गेट एकेडमी। चल बेटा, देखते देखते क्या है भैया, 2023 का 5 महीने बीत चुके हैं, ठीक है, और जून स्टार्ट हो चुका है। और भैया प्रिपरेशन कर ही रहोगे आप लोग भी, तो ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी, आपके जो एक लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई है उसको मेंटेन करके रखिएगा। जून आ चुका है। अच्छा, अब देखो बेटा, कहने को तो यार यूट्यूब पे आए दिन इतने सारे वैकेंसी निकलती है कि पता नहीं चल सकता कि यार इतनी सारी वैकेंसी है। बट अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो जेन्युइन वैकेंसी है जिसको आपको फिल करना चाहिए बेटा, उसके बारे में मैं हमेशा आप लोग को अपडेट करता रहता हूं। और यहां पर अगेन मैं जून के स्टार्टिंग में आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एज यूजुअल बेटा, अराउंड आपको बेटा अभी जो वैकेंसी रिसेंटली ओपन हुई है उसमें अराउंड 2000 आपके पोस्ट है बेटा कंप्लीटली मिला के देखा जाए तो। तो ये कौन कौन सा आपके एग्जाम से बेटा, आपके ये DFCCIL हो गया, रेलवे की एक यूनिट है इसरो आ गया, आपका झारखंड SSC JEE आ गया, आपको बेटा IB रिक्रूटमेंट आ गया, IB का आ गया, उसके बाद DDA JEE का आ गया। तो ये सब का अगर आप लोग वैकेंसी कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा आपको एक ह्यूज वैकेंसी अराउंड 2000 प्लस वैकेंसी दे रहा है। तो बेटा इसमें प्रिपरेशन जो बच्चे BTEC या डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि भैया कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं और कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा आएगा आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दैट इज योर DFCCIL बेटा। तो DFCCIL एज यूजुअल भैया एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, रेलवे की बेटा एक यूनिट है, 535 पोस्ट निकली है, बीटेक डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है, ध्यान सुनिएगा बच्चा। और इसका बेटा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और भैया इसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप है 19 जून 2023। अच्छा भैया, अब इसमें बात करते हैं बेटा अलग अलग पोस्ट है। बेटा याद रखिए वैकेंसी भरिएगा, बिकॉज ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। पोस्ट को देख लो ध्यान से, और डिप्लोमा वाले बच्चे या फिर जो डिग्री किए हैं बेटा उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए ये आपकी वैकेंसी है। इसको दिमाग में रख के इस फॉर्म को फिलअप करिए, भले आपको वैकेंसी कम दिख रही हो तब भी इसको भरना है आपको, ठीक है बच्चा। ऑल इंडिया बेसिस पे सभी बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, ध्यान रखिएगा। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इसका जो फॉर्म फिलअप है उसका जो लास्ट डेट है बेटा वो आपका 19 जून तक है, ये दिमाग में रखिए बेटा। उसके बाद इसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको बेटा हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को सब लोग भर दीजिए अगर आप लोग डिप्लोमा या फिर बीटेक कर चुके हैं किसी भी ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा IB, ये जो IB रिक्रूटमेंट है बेटा अभी ये एक हफ्ते पहले निकला है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चा, डिप्लोमा भी एलिजिबल है बच्चा, और इसमें आपका बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल है, लेकिन इसमें उसने क्या किया है बेटा, कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस को ही एलिजिबल रखा है, और इसमें अराउंड आपको 900 प्लस पोस्ट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना बेटा कि इसमें जो आपके ब्रांचेस एलिजिबल है बेटा 797 पोस्ट है। तो बेटा आपका आपका EC ब्रांच एलिजिबल है, IT ब्रांच एलिजिबल है, आपका EEE ब्रांच एलिजिबल है बेटा, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है इस डिप्लोमा के लिए। बीटेक में बेटा याद रखिएगा आपका ग्रेजुएशन जो बीटेक वाले बच्चे हैं बेटा वो आपको अगर आपने बेटा फर्स्ट ईयर में मैथ या फिर आपने फिजिक्स या बेटा क्या पढ़ा हुआ है, आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है, तो बीटेक वाले बच्चे तो बेटा भर सकते हैं इसको। डिप्लोमा की बात करें बेटा ये आपके पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं जो कि आप लोग फिल कर सकते हैं IB की बेटा इस जॉब के लिए। इसका बेटा याद रखिएगा 797 पोस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा 18 से 27 इसका एज लिमिट है। इंपॉर्टेंट डेट बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ये ध्यान रखिएगा जून से आपका बेटा क्या होगा फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, और ये जो बेटा 23 जून तक आपका इसका फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। तीन एग्जाम होंगे बेटा, Tier 1, Tier 2 और Tier 3, तीन सेक्शन बेटा एग्जाम लेगा। ऑब्वियस बात है बेटा इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो इतना जल्दी सिलेक्शन नहीं देगा, तो ये तीन तरह के एग्जाम लेगा बेटा, और तीनों ही आपके बेटा क्या है आपके स्किल को चेक करेगा। तो तैयारी बेटा इसके लिए करने के लिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर दो, तैयारी बेटा हम आप लोग को करा देंगे, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। अब भैया इसके बाद आती है इसरो। देखो बेटा क्या है, इसरो ने जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उसके लिए वैकेंसी निकाल दी है पहले ही IPRC, ठीक है। ये जो अभी नई वैकेंसी निकली है इसरो द्वारा जो जून में निकाली गई अभी जिसका फॉर्म ओपन है वो बेटा बीटेक वाले बच्चों के लिए, तो बीटेक वाले बच्चे बेटा जो हैं वो बेटा उनके लिए अराउंड 303 पोस्ट निकली है इसरो में साइंटिस्ट के लिए, चाहे आप मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या बेटा फिर आपका बेटा यहाँ पर अगर ये ब्रांचेस से आप लोग ने बीटेक किया हुआ है तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हो। इसका बेटा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बीटेक में 65% चाहिए होंगे, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा लास्ट डेट, बिकॉज
भैया आप लोग फॉर्म कब भरते हो? लास्ट डेट में बेटा 14 जून को बेटा इस फॉर्म को ध्यान से फिलअप कर लीजिएगा और बेटा इसमें तैयारी के लिए अपने पूरी तरह से जान लगा दीजिए। बहुत अच्छी जॉब होती है बेटा और ये आपको एक अच्छा स्टेबल लाइफ दे देगा। और भैया इसके बाद आता है झारखंड SSC JEE बेटा, जिसमें कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। अराउंड 1500 बेटा पोस्ट है इसके अंदर, सबने देखा होगा। और बेटा ये क्या है, अलग अलग आपके ब्रांचेस और अलग अलग पोस्ट दी हुई है यहाँ पे, और वो रिस्पेक्टिव यहाँ पे सीट्स दी हुई है किसमें बेटा, झारखंड SSC JEE में। बहुत ही छोटा स्टेट है बेटा, लेकिन इतनी सारी वैकेंसी निकाली है, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन होने वाला बच्चों के लिए सेलेक्ट होने का, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा हमने कहा ना कि सब कुछ एक तरफ, पहले बेटा फॉर्म फिलअप करके स्टेबल हो जाइए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। जून में ये सारे फॉर्म्स हैं जो कुछ बेटा आपको फिल करने चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा इसके साथ क्या है, आपका बार्क हो गया, SSC JEE हो गया, ये तो बेटा कंटिन्यूटी, ये तो बेटा आने वाला एग्जाम है। तो इनके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी प्रोटेजी छोड़ो बेटा, अब सिर्फ पढ़ाई करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके लिए आपको गाइड करते रहेंगे। जस्ट स्टे कनेक्टेड और कोई भी बेटा डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बेटा जब तक ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक बिल्कुल भी अपने गोल से डेविएट मत होइए और सब काम होते रहेंगे बेटा, सिलेक्शन होना पहले जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।